बिल्लियों से तंग थे, चूहा पड़ गया मैं। यहाँ पे चूहा है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को, नया दिन नया ब्लॉग। इसका अपना मिशन हो गया है हमारा कि इसकी ब्रीड लेनी है। न्याजी कहता है इसकी गंजे के साथ ब्रीड लेनी है, पहले इसको सही करेंगे तो फिर ही ब्रीड लेंगे इसकी। कल तो बिल्कुल ही चल रही थी, जहाँ बैठी थी वहाँ बैठी थी, आज थोड़ा बहुत चल रही है ये। बाकी कबूतरों को जो है ना पानी यार सुबह फिर निकाल लिया था और अब दाना डाल रहे हैं। दाना खा के उनको लगेगी प्यास और पैसे ही प्यास लगी होगी, तो उनको जो है ना अब डालते हैं दोबारा से दवाई। उम्मीद है जब बंदा मेहनत करता है ना तो कोई ना कोई फल मिलता ज़रूर है। दाना खा रहे हैं, पानी का निकाल के रखा हुआ है उन्होंने, अब इनके दवाई डालते हैं। और डक्स मैं जो है ना आता ही बाहर छोड़ देता होता हूँ ताकि ये भी घास वगैरह एंजॉय करें, और चूज़े अंदर छोड़े हुए हैं। और मैं आज ना आज थोड़ी देर पहले ही गया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ जब का आया हूँ वो जो सफ़ेद चूज़ा है ना जो अकेला ही है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी एक ग्रुप के साथ जो है ना सुलह करा दूँ। इसके साथ तो किसी की सुलह नहीं होती, इन दोनों के साथ ये दोनों अकेले ही रहेंगे। पहले मैंने इनके साथ सुलह कराने की कोशिश की लेकिन इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने अपना इनके साथ छोड़ा छोटों के साथ कि शायद जो है ना छोटों के साथ एडजस्ट हो जाए, लेकिन छोटे भी बदमाश हैं। हमारा गिनी फॉल का बच्चा फिट हो गया, अब बड़ा हो ही जा रहा है, क्योंकि उनके करीब नहीं लग रहा, लेकिन जो है ना वो इसको तंग करते हैं। लेकिन अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। और आज अगर ये पेंट वाला काम कंप्लीट हो जाए ना तो मैं मुर्गों की भी जो है ना सेटिंग थोड़ी सी आगे पीछे ऐसे वैसे कर दूं कि जितनी देर हमारे ये वाले खुडे फ्री हैं हम इनको यूज़ ना करें, इन्हीं को यूज़ करें। तो सेटिंग वगैरह करता हूँ इनकी और पहले इनको दवाई डाल दें कबूतरों को, क्योंकि ये सबसे कुत्तों से ही पुराना शौक है। अगर इनका काम ख़राब हुआ ना फिर जो है ना वैसे ही बंदा दिल छोड़ जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर सीरियस होकर आ गई फिर यहाँ पर ढेर ही लगने हैं कबूतरों के ना, या मर के निकलेंगे ढेर या फिर छुरी फिर के निकलेंगे ढेर, लेकिन ढेर लग जाएंगे। डक्स जो है ना ये इनका भी फ्लेमिंगो वाला काम है, ये वहाँ तक जाती हैं, वहाँ से भागती भागती पर मारती हुई वो कॉर्नर तक जाती हैं, लेकिन इसे उड़ा नहीं जाता। कभी फ्लाइट ली नहीं है इन्होंने बचपन से, इसलिए जो है ना इनको उड़ने का पता नहीं है इतना, नहीं तो अगर ये अपने आई हुए हैं तो इतनी जगह इनके लिए बहुत है उड़ने के लिए। मेरे हिसाब से ये माइग्रेटिंग बर्ड ही है, बाकी मैं रिसर्च भी करता हूँ क्योंकि इनकी हरकतें देख के तो लगता है। वो छोटी वालियों का पता नहीं वो किस किस्म की हैं, लेकिन वो बदमाश हैं। तो कल उन्होंने अभी ब्लैक वाली मुर्गी से ही मार खाई है, ये ना चुप करीता, ये लगता शरीफ सा है, चुप करीता जाता है जाके जो है लड़ पड़ता। तो चलो ज़रा बाहर निकल आए, इनका भी टाइम हो गया। यार आजकल लेट हो जाता है, जब तक पहुँचता अंधेरा हो गया होता है, न्याजी भी अंधेरा होने पर पहुँचता, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जैसे जैसे सर्दियाँ पड़नी हैं व्लॉग में मैंने अकेले नहीं आया करना। लो जी एक हमारी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो गई है, हमें लगता था कि ये चारों फीमेल्स हैं, हालांकि ये चारों फीमेल्स नहीं हैं। जो ये वाला फिर रहा है ना ये मेल है इनमें, और ये कन्फर्म फीमेल है, उनका भी कुछ कह नहीं सकते, वो भी छोटी हैं मेरे ख्याल से एज के अंदर। इस बेचारे की नहीं भाई सुनी जा रही, इसको कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये मुझे लगता है ये अकेला ही रहेगा। वो याद है हमारे पास एक होता था नकाब पोश मेल होता था जिसका हमने कहा था कि ये कुवारा ही मरेगा,
ये बोल रहा था इसका वो वाला साहब होना, इसको कोई नहीं अपने साथ रखना चाह रहा, वो छोटे भी मारते हैं इसको, तो इसको मैंने बाहर ही निकाल ली। मैं कहा ये अकेला ही रहे, जैसे उसकी सुनी गई अगले घर जा गए इसकी भी शायद सुनी जाए। वो तो हमारा जो दोस्त है ना खुशाम जो है, वो ले गया था, उसने उसका नाम कबीर सिंह रखा हुआ है और उसके साथ फीमेल भी लगाई हुई है, उन्होंने अंडे भी दिए थे। उसके बाद वो गायब है, पता नहीं किधर गायब है, ना व्लॉग आ रहा है उसका ना कोई और रबता है। पूछेंगे उससे, जिस दिन फ्री हुआ चक्कर लगाया, मैं बताया कबीर सिंह का क्या बना है। नमाज पढ़ के हो गए जी फ्री, वीर तो आखिरी टच दे रहा है पिंजरों को और ये भी इस टाइम पहुंच गया। हेलो भाई, एक है बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। हाँ, मैं ना नमाज पढ़ने गया था कमरे में, कांड क्या हुआ? कांड हुआ नहीं है, हो जाना है। मतलब कमरे में भाई जी चूहा है अंदर। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा था ना तो गुड़गुड़ हो रही थी, तो मुझे वो जो अपना है ये जो टेबल पड़ा हुआ है इसको जब थोड़ी देर ठक कड़क कड़क करके आवाज़ आए, और अगर मुझे आवाज़ आ रही थी तो वहाँ और तो कोई चीज़ है नहीं। हो सकता है उसकी भी हो, जो हमने वो फिल्टर नहीं लगाया उसकी वजह सक्शन सी भी टक टक टक। नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठहरो जरा। फिर मैंने कहा दया पता लगाओ। जब मैंने कहा ना दया पता लगाओ, फिर मैंने ना सुराग ढूंढने शुरू किए। मैंने कहा यार चूहा अगर है तो चूहा जो है बकाया जात भी होंगे, तो फिर मैंने जब ये देखा तो ये देख, वेरी नाइस, यहाँ पे चूहा है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चूहा है और उस चूहे का कुछ करो, और इसका भावे माउस हंट करो जो मर्जी करो, यहाँ से चूहा निकालो। यार अब मैं देखता हूँ चूहा कहाँ है, कहाँ है तो नीचे बैठ दो। कारपेट इस तरह गोल हुआ हुआ है ये वाला नहीं, ये मेरे हिसाब से या ये एलसीडी के पीछे है, एलसीडी के पीछे, या ये वो एक्वेरियम के नीचे है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं चूहा यहाँ है। लेकिन इस टाइम ना मौजूदा हालत में इस एरिया के अंदर चूहा है, क्योंकि मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा था और मुझे यहाँ से टक टक की आवाज आ रही थी। अच्छा। अब ये तुम लोगों का काम है, ऊपर से हमारे ऑफिस, हम लोगों ने जब का जो है ना बाहर बैठना शुरू किया है ना, हमारे ऑफिस में ऐसे जैसे जिन बोलते होते हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ आके ये निशान शायद नजर आ रहे हो व्लॉग में, जहाँ बैठा वहां से ब्लू हो गई, बाकी सारी मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, और टेबल ही माशाल्लाह से इतना प्यारा है हमारा। नमाज पढ़ी बाहर चला गया या इनको खाना डाल दिया, इतनी देर के लिए मैं आता हूँ, ये मेरा रूट था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आगे मैं इधर आया ही नहीं कभी। भाई जी मुझे नहीं पता, वीर वो पेंट मार ले, न्याजी से ही पूछ, वो भी आए आज की आज। मुझे चूहा यहाँ से बाहर चाहिए। एक मिनट आइएगा। हाँ, इस पर कैसा टाइम? ओहो, उन्हें को बुरखा बना दिया। नहीं, अब मसला ये है ना कि वो नजर तो आएगा ना कम से कम यहाँ पे। ये दौड़ के मेरी तरफ को आया ना, जहर यकीन कि मैंने पक्खे पे चढ़ जाना है। मैंने पक्खे पे चढ़ जाना इसके ऊपर। यार नाजुक सूरत वाला ऐसे नहीं करते। वो चूहा वहां नहीं है, चूहा इस इसके इसके पीछे है कहीं। किसके? इसके पीछे। इसके इसके पीछे है या इसके अंदर है या इसके नीचे है कहीं है। ये बात आखिरी जगह कारपेट वाली ही है। सोटी ले गया बाहर से, दरवाजा खोल दे। मैंने ऑफिस में से भी एक चूहा निकाला है उधर लेटिंग वाले।
भाई चूहे चूहों से मैंने बड़ी मुश्किल जान छुड़ाई थी। अगर हम बताना शुरू करते हैं ना कि चूहों के सामने क्या क्या किया, यकीन करें लोग हमें कहें कि यार तुम ऐसे ना बैठते थे, एकदम से उठा नहीं जाना। मैं कुछ नहीं, मैं ऊपर चढ़ के बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, मैं बता रहा हूँ। हाँ उधर हो सकता हूँ, यार गत्ते के डब्बे का खड़का सुन रहा था मुझे, या मुझे ये लकड़ी के अंदर कुछ खड़खड़ फील हो रही थी। ये जहाँ बल्बों के डब्बे पड़े वहाँ तो छोटी मार। भाई जी इस अलमारी के पीछे चूहा, इस अलमारी के पीछे मनो भावे नाम मनो चूहा इसके पीछे है। उसके लिए हमें जो है ना अब कुछ करना पड़ेगा। अगर आज हम चले गए और निकल गए हमें कभी नहीं पता लगेगा कि वो चूहा गया किधर। इस टाइम वो चूहा अंदर है, अब ये नहीं पता कि वो चूहा निकल गया हो। मैं निकला ही नहीं, मैं तेरे आने जब तू आया तेरे आ गया कि मैं निकला हूँ ये नमाज पढ़ के, मैंने ये जहाँ शूज पहने उधर गया ही था मैं, तू आ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं करता। तोड़ दे सारा कुछ तोड़ दे। मुझे शक है यार, नहीं है इधर कुछ भी। मुझे पता क्या लगता है यार, मेरी बात सुन, ये जो है ना जो हमारे कैमरों की भी तारें इस तरह हिलती हैं ना, मुझे लगता है चूहे यहाँ से तारें खराब करते हैं पीछे से। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे है। अब कुछ ना करी, कुछ ना करी। चूहा पाई जी इस डब्बी के पीछे है। हाँ यार पीछे से जगह है कोई नहीं, पीछे वो वेरला है नहीं जहाँ से अपनी वो तारें गुजर रही हैं, वो पीछे ये बोर्ड के पीछे। हाँ यहाँ कहीं है चूहा, लेकिन अगर यहाँ होता ना तो इस टाइम पे कुछ हिलता हरकत करता। वो चूहे बड़े हरामी होते हैं, इसका सोनों के बैठ जाते जब तक उनको पड़ती नहीं है। खैर हम लोग चूहा ढूंढ लें, यही ना हो गया हमारा ब्लॉग 35 मिनट का हो जाए। चूहा फिर ना मिले। हमने बड़ी देर जो है लगा के जो है ना चूहा ढूंढा है हर जगह, लेकिन हमें चूहा मिला कोई नहीं, लेकिन चूहा अंदर है वो अब नहीं तो कहीं। ओए मैं घड़ी नहीं पहन के आया, नहीं पहन के आया। खैर अपना जो है ना फिर हमारा जो है ना प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, ये हम लोग इतना सारा हमने खिलारा है भी नहीं डाला हुआ। हम लोग ना अपने ये जो असील पेनट के अंदर जो पिंजरे हैं ना इनकी ना लाइटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ये जो ये वाला सिस्टम है ना वो एनर्जी सेवर वाला, इससे भी कम बिजली लेने वाली लाइट और इससे सस्ती और जल्दी सड़ती भी नहीं है। ये तो हर थोड़े करसे बाद जो है ये एनर्जी सेवर ख़राब हो जाता है, तो ये होल्डर एनर्जी सेवर वाला सिस्टम ख़त्म करके ना हम लोग कर रहे हैं नया लाइटिंग सिस्टम। वो आज हम लोग थोड़ा आज सेट कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रिशियन आ गया तो वो कर देगा, बाकी जो है तो हाँ तुम लोग फिर लो पहले मेरे पैरों में। बाकी कल तक जो है ना हमारा ये लाइटिंग सिस्टम सारा ओके हो जाएगा, फिर जो है ना ये और प्यारा लगा करेगा। अभी जो है ना इसका मेन मसला होता है किसी का जो है बल्ब सड़ जाता है, किसी का चल रहा होता है तो जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है, फिर प्यारा नहीं लगता। तो अब जो है ना एक सार जो है पूरा लाइटिंग सिस्टम होगा इसका और वो प्यारा भी लगेगा, तो इंशाल्लाह जो है ना कल दिखाएंगे वो चीज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल और अपडेट लेके आएंगे कि हमें चूहा मिला कि नहीं मिला। बिल्लियों से तंग थे, चूहा पड़ गया हमें, तो जो है ना अब कल मिलते हैं। कल भी अगर हमें चूहा ना मिला तो फिर हमने पूरे कमरे का सामान एक बार निकाल के फिर चूहा ढूंढना ज़रूर है, क्योंकि भाई चूहा ऐसे कोई मजाक नहीं है, एकदम से निकल आया ना उसने त्राव निकलवा देना। हमारे इलाके में इस पे मुहावरा तो कोई और चलता है, लेकिन ना मैं फिर थोड़ा ना यही भला करते हैं महज़ब। हाँ ऐसे में बताना चाह रहा है। खैर जो है ना अब मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग के अंदर कुछ नया लेके। अल्लाह हाफिज़।